के शिमला मिर्च यहाँ पर बड़ी तादाद में रखी हुई है और सिर्फ 70 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये शिमला मिर्च मिल रही है। व्यूअर्स, हम अगर देखें तो यहाँ पर शलजम भी बड़ी तादाद में ये रखे हुए हैं। शलजम यहाँ पर जो कीमत बता रहे हैं शलजम की, और सिर्फ यहाँ पर ये लौकी भी रखी हुई है। लौकी बहुत ज़रा अच्छी किस्म की लौकी यहाँ पर ये रखी हुई है ताज़ी, और इसकी ज़रा कीमत पूछते हैं लौकी क्या। व्यूअर्स, फिर हम अगर बात करते हैं टमाटर की, बात करते हैं टमाटर यहाँ पर जो मिल रहे हैं, ज़रा भाई से ये पूछते हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास 40 पेटियाँ रखी हुई थी, 40 में से अभी सब ये 2 पेटी यहाँ पर ही बची हैं, लेकिन इसकी ज़रा कीमत पूछ लेते हैं कि इसकी कीमत क्या है पेटी की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी कराची में, और यहाँ पर डिफरेंट किस्म की कीमतें आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। फलों और सब्ज़ियों की कीमतें यहाँ पर मैं अक्सर शेयर किया करता हूँ आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल आज जो है मैं आपके साथ सब्ज़ियों की कीमत शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आज फिर देखते हैं क्या कीमत चल रही है सब्ज़ियों की। मैं थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ आज, तकरीबन 8-9 मिनट की। तो मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर बनाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। सबसे पहले व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं टिंडे से, और टिंडे की कीमतें ज़रा कीमत पूछते हैं। भाई ये बता रहे हैं 50 रुपये इसकी कीमत है, टिंडे 50 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद टिंडे के बाद हम अगर देखें तो गवार की फली यहाँ पर ये मिल रही है, और गवार की फली हम अगर देखें तो बहुत ही ताज़ा किस्म की यहाँ पर ये मिल रही है, और इसकी ज़रा कीमत पूछ रहे हैं। भाई इसकी कीमत ज़रा बताओ क्या मिल रही है। 70 की दे रहे हैं। अच्छा, 70 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रही है। और फिर ये क्या रखा हुआ यार, तोरई की रेट क्या है? 30 रुपये की तुरई जो मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये तुरई मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा ताज़ी नहीं है जिस तरह ये होनी चाहिए। और फिर देखते हैं इसके अलावा और क्या मिल रहा है। एक तरफ यहाँ पर ये लौकी भी रखी हुई है, लौकी बहुत ज़रा अच्छी किस्म की लौकी यहाँ पर ये रखी हुई है ताज़ी, और इसकी ज़रा कीमत पूछते हैं लौकी क्या रुपये। लौकी 30 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रही है। उसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं अरबी वगैरह है तुम्हारे पास, ये अरबी नहीं है? अरबी नहीं है, अरबी नहीं है फिलहाल। अरबी यहाँ पर फिर हम बाद में आपसे शेयर करते हैं, फिर देखते हैं इनके पास और क्या मिल रहा है। व्यूअर्स, फिर हम अगर बात करते हैं टमाटर की, बात करते हैं टमाटर यहाँ पर जो मिल रहे हैं, ज़रा भाई से ये पूछते हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास 40 पेटियाँ रखी हुई थी, 40 में से अभी सब ये 2 पेटी यहाँ पर ही बची हैं, लेकिन इसकी ज़रा कीमत पूछ लेते हैं कि इसकी कीमत क्या है पेटी की। 500 रुपये की पेटी, और इसमें वज़न कितना होता है? वज़न 12 किलो के दरमियान इसमें वज़न होता है। टमाटर की कीमत आपके साथ शेयर करी, लेकिन फिर देखेंगे भी और भी किस कीमत में टमाटर मिल रहे हैं। फिलहाल तो एक शॉप से आपको मैंने अपडेट किया है, फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। अभी ये यहाँ पर बैगन भी रखे हैं व्यूअर्स, बैगन की भी कीमत आपके साथ शेयर कर दूँ। ताज़ा किस्म के यहाँ पर ये बैगन रखे हुए हैं, इसकी भी ज़रा कीमत मैं आपके साथ बताता हूँ कि क्या रखे हुए हैं। इसकी क्या प्राइस है बेटा बैगन? हाँ, बैगन जो यहाँ मिल रहे हैं 50 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये ताज़ा वाले बैगन मिल रहे हैं। और नींबू की भी ज़रा कीमत पूछ लेते हैं। नींबू जो यहाँ पर मिल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये नींबू मिल रहा है। बीच में आपको बताया कि नींबू की कीमतें बहुत ही ज़्यादा हाईफाई चली गई थी, तकरीबन 500-600 रुपये किलो तक चली गई थी नींबू, लेकिन अब वापस आकर 100 रुपये किलो के हिसाब से ये नींबू यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। व्यूअर्स, हम अगर भिंडी की बात करें, ये सुल्तानाबाद की भिंडी छोटी वाली भिंडी कहलाती है, और ये छोटी वाली भिंडी की जो कीमत चल रही है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर ये सुल्तानाबाद की भिंडी चल रही है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। तो भिंडी के बाद हम अगर देखें व्यूअर्स, यहाँ पर ये फूल गोभी जो मिल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपये किलो के हिसाब से, अच्छी क्वालिटी की जो फूल गोभी है वो मिल रही है 80 रुपये किलो के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी आपके सामने है, ताज़ा है। और हम अगर फिर बात करते हैं, यहाँ पर ये एक और भी चीज़ रखी हुई है, बंद गोभी की कीमत आपके साथ शेयर कर दूँ। बंद गोभी इतनी को ख़ास ताज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कदर गनीमत है, और इसकी भी जो कीमत बता रहे हैं भाई 80 रुपये किलो के हिसाब से ये बता रहे हैं। अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर टाइमिंग ये है कि तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है, इस वक्त मंडी तकरीबन एंड हो रही होती है, तो इस वक्त इतने अच्छे रेट्स तो नहीं मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर और क्या मिल रहा है। व्यूअर्स, हम अगर यहाँ पर प्याज की बात करें तो प्याज भी यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो स्टिल हुई हुई रेट इसका बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है, और इसका रेट जो चल रहा है यहाँ पर 60 रुपये किलो के हिसाब से ये प्याज चल रही है। फिर हम अगर बात करते हैं आलू की, आलू पीला वाला आलू यहाँ पर ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं पीली आलू की जो प्राइस चल रही है यहाँ पर सिर्फ 30 रुपये किलो के हिसाब से
ये आलू यहाँ पर ये मिल रहा है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का आलू है, लेकिन मैं समझता हूँ पुराना आलू है ये। इस पर जो है ये फूल वगैरह निकले हुए। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है व्यूअर्स। यहाँ पर कच्चा पपीता भी मिल रहा है बड़ी क्वालिटी में, आप साइज़ देख सकते हैं। और इसकी जो कीमत बता रहे हैं वो 20 या 25 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये कच्चा पपीता मिल रहा है। फिर भिंडी की कीमत मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, 100 रुपए किलो के हिसाब से पीछे मिल रही थी। यहाँ भी लेकिन कीमत पूछ लेते हैं भाई, भिंडी क्या रुपये है? भिंडी यहाँ पर जो दे रहे हैं 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये दे रहे हैं। और अरबी की कीमत आपके साथ शेयर कर देता हूँ भाई, ये क्या रुपये किलो है अरबी? अरबी जो यहाँ पर मिल रही है 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये अरबी मिल रही है। आप देख सकते हैं प्याज से ज़्यादा ताज़ी अरबी यहाँ पर ये मिल रही है और सिर्फ 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मिल रही है। फिर हम अगर बात करते हैं कद्दू की, बात करते हैं कद्दू क्या रुपए किलो यहाँ पर मिल रहा है, ये भी ज़रा पूछ के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कद्दू जो फ़िलहाल मिल रहा है वो कद्दू की कीमत जो है वो सिर्फ 30 रुपए किलो के हिसाब से ये मिल रही है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है व्यूअर। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में टमाटर मिल रहे हैं, इससे पहले आपके साथ शेयर की थी टमाटर की कीमत, लेकिन वो जो प्राइस थी वो थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा था। यहाँ पर मज़ीद जो टमाटर मिल रहे हैं ये बहुत ही कम कीमतों में मिल रहे हैं, जब भी मैं आपके साथ फिर से बता रहा हूँ कीमत। ये जो यहाँ पर मिल रही है पेटी 400 या 450 के दरमियान ये मिल रही है, और इसमें 13 से 14 किलो के दरमियान ये टमाटर यहाँ पर ये होते हैं। यही वजह है कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कीमतें। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है व्यूअर्स। हम अगर टमाटर की बात एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अदरक यहाँ पर जो मिल रही है, अदरक यहाँ पर 160 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये अदरक मिल रही है। फिर हम अगर लहसुन देखें तो यहाँ पर देसी लहसुन जो मिल रहा है जो यहाँ पर 150 रुपए किलो के हिसाब से, ये दोनों लहसुन जो हैं ये देसी हैं और ये देसी लहसुन 150 रुपए किलो के हिसाब से ये मिल रहे हैं। और यहाँ पर चाइना का जो लहसुन मिल रहा है वो 250 रुपए किलो के हिसाब से ये मिल रहा है। आप देख सकते हैं बड़ा वाला लहसुन, मोटा लहसुन 250 रुपए का ये मिल रहा है। और फिर इसके अलावा हम अगर यहाँ पर लाल आलू की कीमत भी आपके साथ अगर शेयर करूँ तो लाल आलू यहाँ पर 40 रुपए किलो के हिसाब से ये मंडी में मिल रहा है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है व्यूअर्स। हम अगर गाजर की बात करें तो यहाँ पर चाइना की गाजर जो मिल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपए किलो के हिसाब से ये मिल रही है। फिर हम अगर फिर बात करते हैं इसके बाद शिमला मिर्च की, हम अगर देखें शिमला मिर्च यहाँ पर बड़ी तादाद में रखी हुई है और सिर्फ 70 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये शिमला मिर्च मिल रही है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है व्यूअर्स। हम अगर देखें तो यहाँ पर शलजम भी बड़ी तादाद में ये रखे हुए हैं। शलजम यहाँ पर जो कीमत बता रहे हैं शलजम की, और सिर्फ 50 रुपए किलो के हिसाब से ये शलजम की कीमत बता रहे हैं। बड़े और छोटे मिक्स करके इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन कीमत सिर्फ एक ही बता रहे हैं, 50 रुपए किलो। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है।